देखो डीसी और एमसी में तो हमेशा ही कुछ डिफरेंस रहे हैं, मगर सोचने की बात यह है कि डीसी और एमसी में ऐसा क्या अंतर था जो कि एमसीयू डीसी से ज्यादा फेमस हो गया। जैसे कि एमसीयू का फेमस होने का सबसे बड़ा पॉइंट था कॉमेडी करना, जो कि मार्वल अब ज्यादातर मूवी में ही करता ही है, और भाई हंसना कौन नहीं चाहता, इसलिए मार्वल भाई सही खेल गया। और अब दूसरा डिफरेंस है, डीसी हमेशा अपने सुपर हीरोज को एमसीयू से कुछ ज्यादा ही ओवर पावरफुल सुपर हीरोज बनाता है, जिससे लोगों का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। वो आपको इस बात से पता चल जाएगा, जैसे कि मार्वल्स में जब थैनोस आया था तो उसने हल्क को चारुखानी चित कर दिया था, और लगभग वो सभी अवेंजर्स की टीम पर भारी पड़ गया था, इसलिए हमें ये एक्साइटमेंट था कि अब थेनोस को कौन हराएगा। और वहीं जब हम डीसी को देखते हैं तो भाई सुपरमैन ही डार्क साइड से ज्यादा पावरफुल लगता है। सुपरमैन को देखकर ऐसा लगने लगता है कि अब डार्क साइड का क्या होगा। हालांकि अभी लाइव एक्शन में इनकी फाइट देखने को नहीं मिली है, मगर भाई कॉमिक्स में तो सुपरमैन ने डार्क साइड को बहुत बार हराया है, तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मूवी में कोई कसर छोड़ देंगे। और मैं ये सब बस सुपरमैन को ही देखकर नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। वंडर वुमन के फर्स्ट पार्ट में वंडर वुमन ने कोई छोटे मोटे विलन को नहीं हराया था, उसने ज्यूस के लड़के एरिस को हराया था, जिसके बारे में मुझे बताने कोई जरूरत नहीं है। और सुपरमैन वंडर वुमन को आसानी से हरा सकता है, तो आप समझ लो कि सुपरमैन को डीसी ने कितना ओवर पावरफुल करेक्टर बनाया है। और तीसरा पॉइंट, एमसीयू हमेशा प्लान सोच कर चलता है कि किस सुपर हीरो को कब और कैसे दिखाना है, जिसका क्रेडिट आता है केविन फाइज जैसे महापुरुष को, जिसने एमसीयू को यहाँ तक पहुँचाया। और फोर्थ पॉइंट है, एमसीयू की इतनी मूवीज आने से भी वो डीसी से आगे है, इसलिए डीसी को एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है। मगर ऐसा नहीं है कि मार्वल हर पॉइंट में ही डीसी से अच्छा रहा है, मुझे लगता है डीसी के एक्शन मार्वल से अच्छे होते हैं, वो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं 2013 में आई मैन ऑफ स्टील के एक्शन को देख लेना। हाँ, हालांकि मार्वल सी मूवी भी कुछ उससे पहले आई है, उसके भी एक्शन काफी सही थे, मगर मुझे नहीं लगता कि मार्वल के एक्शन डीसी से अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि डीसी को ओवर पावरफुल करेक्टर बनाने की वजह से उसको फायदा नहीं हुआ, सुपरमैन को इतना पावरफुल दिखाने से ही वो लोगों के बीच इतना फेमस हुआ है। अब जब डीसी के सुपर विलन इतने पावरफुल नहीं दिखेंगे तो ये सुपर हीरोज में ही वर्सेस कराने लगेंगे, और शायद डीसी में आगे सुपरमैन एविल भी दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से डीसी कुछ अलग करके दिखा सकता है। फिलहाल अब मार्वल्स कुछ गलतियों की वजह से अब धीमे पड़ रहा है, और मार्वल्स की वो किन गलतियों की वजह से हो रहा है वो देखने के लिए वीडियो पर कमेंट करके बताना। अगली वीडियो मैं इसी के बारे में लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में कमेंट करके भी बताना कि डीसीयू और एमसीयू में और क्या डिफरेंस हो सकते थे। लाइक कमेंट तो हो गया, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।